गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू ऑल इन दिस 10th क्लास लाइव सेशन. सभी को नमस्ते, राधे राधे. हम लोग कुछ दिनों से बोर्ड में आने वाले 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं. आज की शीट सभी बच्चों के पास व्हाट्सअप हो चुकी है, 31/3/2021. और आज की शीट के क्वेश्चन नंबर 1 को मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ. मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ. ये देखिए, आपको क्वेश्चन में एक स्क्वायर दिया हुआ है और स्क्वायर के चारों डायमीटर को से चारों साइड्स को डायमीटर मानकर, ये देखिए ए बी के ऊपर एक सेमी सर्किल ड्रा हुआ, ऐसे बी सी के ऊपर एक सेमी सर्किल ड्रा हुआ, सी डी के ऊपर एक और सेमी सर्किल ड्रा हुआ और ए डी के ऊपर एक और सेमी सर्किल ड्रा हुआ. अब आपको इस शेडेड रीजन का आंसर निकालना है. ए, ये देखिए, ये जो शेडेड डिजन आपको नजर आ रहा है, इस शेडेड डिजन का आंसर निकालना है. एनसीईआरटी की बुक में जो एग्जांपल है ना, वहां लीव्स के अंदर शेड है, यहां लीव्स के बाहर शेड है. ठीक है, चलिए इनके नंबर डाल देते हैं. यहां लिख देते हैं नंबर 1, यहां लिख देते हैं नंबर 2, इस पे लिख देते हैं नंबर 3 और इस पे लिख देते हैं नंबर 4. ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं. साइड दी हुई है 14, ये चारों साइड 14 है तो सेमी सर्किल के लिए डायमीटर का काम करेगा 4 सेमी सर्किल. एरिया ऑफ शेडेड रीजन सबसे पहले लिखते हैं, एरिया ऑफ रीजन 1 एंड 2. जरा ध्यान से देखिए, ये वाला रीजन 1 है और ये वाला रीजन 2 है. तो इन दोनों रीजन का एरिया, देखिए मैं आपको दोबारा से डायग्राम बना के दिखाता हूं. ए, ये देखिए, अगर मैं ये वाला सेमी सर्किल और ये वाला सेमी सर्किल, देखिए दोबारा बनाते हैं डायग्राम. मुझे 1 और 2 का निकालना है ना पहले. तो ये देखिए, मैंने आपके सामने एक स्क्वायर बनाया और ये ऊपर का सेमी सर्किल जो ए बी के ऊपर बना हुआ है और जो सी डी के ऊपर बना हुआ है, ये देखिए, इस सेमी सर्किल को और इस सेमी सर्किल को अगर मैं प्लस करके स्क्वायर में से क्या कर दूं, माइनस, तो 1 और 2 का एरिया मेरे पास बच जाएगा. सोच के देखो, अगर स्क्वायर के एरिया में से इन दोनों सेमी सर्किल के एरिया को क्या कर दिया जाए, माइनस, तो फर्स्ट और सेकंड रीजन का एरिया आ जाता है. तो लिखेंगे एरिया ऑफ रीजन 1 एंड 2 इक्वल एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेमी सर्किल. फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर और फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2. 14 इंटू 14, 2 से 2 कैंसिल, पाई की जगह 22/7 और रेडियस क्वेश्चन में 14 का आधा 7 इंटू 7, 1 7 से 1 7 कट गया, 196 मल्टीप्लाई माइनस 154 और ये आपका 42 आ गया. क्या लिखेंगे, सिमिलरली एरिया ऑफ रीजन, जैसे आपने 1 और 2 का निकाला, ऐसे ही आएगा किस किस का, 3rd एंड 4th का, वो भी कितना आंसर आएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो क्या लिखेंगे, सो टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन 42 में 42 प्लस करेंगे और इन दोनों को प्लस करके आपका आंसर आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये देखिए, बताइए बात अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई. तो 42 में जब 42 प्लस कर लेंगे तो हमारा आंसर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा. तो पहले मैंने 1 और 2 का निकाला, 2 सेमी सर्किल माइनस किए, फिर 3 और 4 का निकालने के लिए मैंने ऊपर सिमिलरली यही लिख दिया दोबारा से, निकालने की भी एग्जाम में जरूरत नहीं है. जिस हिसाब से आपने 1 और 2 का निकाला उसी हिसाब से आप 3 और 4 का भी निकाल सकते हैं. ठीक है, चलिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, आगे चलते हैं. आज की शीट के क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है. mth टर्म इज 1/n, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि mth टर्म 1/n है. आइए, mth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल 1/n, a प्लस md माइनस डी इक्वल 1/n, इक्वेशन नंबर 1. और क्या दिया हुआ है, nth टर्म 1/n है. लो भाई, nth टर्म क्वेश्चन में 1/m है, तो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 1/m.
मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, एन डी माइनस डी इक्वल वन अपॉन एम। ये हमारी सेकंड इक्वेशन तैयार हो गई। कह रहा है कि mnth टर्म निकालो, तो पहले मैं इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के नीचे लिखकर बैलेंस करके पहले मैं सब्ट्रैक्ट करके a और d के आंसर निकाल लेता हूं। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, आइए फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या है लिख लेते हैं, a प्लस एम डी माइनस डी इक्वल वन अपॉन एन, ए प्लस एन डी माइनस डी इक्वल वन अपॉन एम। एक दूसरे के नीचे लिखकर साइन चेंज कर देते हैं। ये देखिए क्या हुआ, ए से ए कट गया, डी से डी कट गया। बोलो भाई क्या बच गया, आपके पास बच गया एम डी माइनस एन डी, और यहां क्या बच गया वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एम। देखो ध्यान से, कोई जल्दी नहीं, दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के नीचे लिखा, साइन चेंज किए, दो दो टर्म कट गई, एम डी माइनस एन डी और वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एम। चलिए डी कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच गया एम माइनस एन, इस साइड एलसीएम ले लेते हैं एम एन, तो एन से एन कट गया एम माइनस एन। क्या करते हैं, एम माइनस एन से एम माइनस एन भी काट दो, तो डी की वैल्यू आ गई वन अपॉन एम एन। डी के इस आंसर को पुट इन इक्वेशन नंबर वन, आइए फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में जहां जहां डी लिखा हुआ है वन अपॉन एम एन लिखिए, ए प्लस एम मल्टीप्लाई वन अपॉन एम एन माइनस वन अपॉन एम एन इक्वल वन अपॉन एन। ए प्लस, देखो एम से एम कट रहा है, ठीक, क्या बच गया वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एम एन इक्वल वन अपॉन एन। देखो एम से एम कट गया, वन अपॉन एन बच गया माइनस वन अपॉन एम एन। क्या करेंगे, वन अपॉन एन से वन अपॉन एन काट दो, इसको उधर ले जाओ, ए की वैल्यू भी वन अपॉन एम एन आ गई, तो डी का आंसर भी वन अपॉन एम एन और ए का आंसर भी वन अपॉन एम एन। देखिए ध्यान से, mth टर्म वन अपॉन एन गिवन थी और nth टर्म वन अपॉन एम गिवन थी, तो दो इक्वेशन बनाकर सब्ट्रैक्ट कर दिया और सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में कौन सी टर्म निकालनी है, mnth टर्म निकालनी है। तो mnth टर्म को क्या बोलते हैं, amn बोलते हैं। mnth टर्म का नाम होता है amn, a प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी। ये देखिए mnth टर्म, जैसे am का फॉर्मूला था a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, an का फॉर्मूला था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसे ही mnth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी। a की जगह लिखो वन अपॉन एम एन, ब्रैकेट में एम एन माइनस वन, डी की जगह वन अपॉन एम एन। क्या करें, इस वन अपॉन एम एन को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो एम एन से एम एन कट के वन बच जाएगा माइनस वन अपॉन एम एन, राइट। अब क्या हुआ, वन अपॉन एम एन से वन अपॉन एम एन कट गया, बताओ भाई क्या आंसर बच गया, वन बच गया। आपने इस क्वेश्चन को प्रूफ करके दिखा दिया कि mnth टर्म वन हुआ करती है। देखिए बताइए आ गया समझ में, mnth टर्म को आपने वन प्रूफ करके दिखा दिया। खूब बढ़िया क्वेश्चन है, खूब पेपर में आता है, खूब इजी भी है, बच्चे आराम से इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके बढ़िया कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं आज की शीट का। टू इयर्स अगो ए फादर वाज फाइव टाइम्स एल्डर देन सन। तो सबसे पहले दो लोग हैं, लिखते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर एक्स इयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं वाई ईयर्स। केस फर्स्ट, बताओ भाई क्या लिखा है, टू ईयर्स अगो फादर, फादर की एज आज एक्स ईयर्स है, तो दो साल पहले होगी एक्स माइनस टू, तो टू ईयर्स अगो द एज ऑफ फादर वाज, वाज का मतलब हुआ मैथ्स में इक्वल, फाइव टाइम्स यानी कि फाइव से मल्टीप्लाई, सन की एज का फाइव टाइम्स। अब बच्चे क्या करते हैं, सन की एज तो वाई लिख देते हैं, भाई दो साल पहले उसकी एज वाई तो ना थी, दो साल पहले तो एज थी वाई माइनस टू, तो दो साल पहले फादर की एज सन की एज का फाइव टाइम्स थी, तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, फाइव वाई माइनस का टेन, तो एक्स माइनस फाइव वाई इक्वल माइनस का एट। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर वन, बताइए। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आपकी तैयार हो गई। केस सेकंड, ये लीजिए केस सेकंड पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, टू इयर्स लेटर, आज से दो साल बाद, पहले था दो साल पहले, अब है दो साल बाद, लेटर हिज एज, हिज माने फादर, तो चलिए फादर की एज आज से दो साल बाद एक्स प्लस टू,
विल बी को फिर मैथ्स में क्या लिखेंगे, इक्वल। एट मोर का मतलब हुआ एट प्लस। आगे थ्री टाइम्स द एज ऑफ द सन, अब थ्री टाइम्स सन की एज कौन बताएगा, सन की एज आज से दो साल बाद कितनी होगी, y प्लस टू। देखो कितना इजी इक्वेशन बनाना हो गया, आज से दो साल बाद फादर विल बी एट ईयर मोर, एट प्लस किसका, सन की एज का थ्री टाइम्स, तो सन की एज भी तो आज से दो साल बाद दो साल बढ़ जाएगी। चलो एक और इक्वेशन बनाते हैं इनकी मल्टीप्लाई करके, थ्री वाई प्लस सिक्स प्लस कितना एट, ये देखो थ्री वाई, थ्री टू जा सिक्स, तो ये हो गया एक्स प्लस टू इक्वल थ्री वाई प्लस फोर्टीन, और थ्री वाई को मैं लेफ्ट साइड में ले आया, टू को उधर ले गया, ये मेरी सेकंड इक्वेशन तैयार हो गई। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो दोनों इक्वेशन में x बैलेंस है, तो x माइनस फाइव वाई इक्वल माइनस एट और x माइनस थ्री वाई इक्वल ट्वेल्व। बस अब मुझे इन दोनों को साइन चेंज करके सब्ट्रैक्ट करना है और देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आने वाला है। चलिए क्या हुआ, x से x कट गया, क्या बच गया माइनस का टू वाई, देखो ध्यान से कोई जल्दी नहीं, प्लस माइनस के फाइव प्लस के थ्री, और ये बच गया माइनस का ट्वेंटी, तो y की वैल्यू टेन आ गई। लिख देते हैं इसके नीचे पुट इन इक्वेशन वन, चलो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं x माइनस फाइव मल्टीप्लाई टेन इक्वल माइनस का एट, x माइनस फिफ्टी इक्वल माइनस का एट, x की वैल्यू माइनस का 50 इधर आकर प्लस का 50 हो गया और x की वैल्यू हमारे पास 42 आ गई। सो द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 ईयर्स, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, सही चल रहा है यश अग्रवाल जी, देखो माइनस के 50 इधर आकर प्लस का हो गया, बिल्कुल सही आंसर आ गया। ठीक है, आप चाहो तो चेक करके देखो, 42 में से 2 माइनस करो, लो चेक करते हैं, 42 में से अगर 2 माइनस करें तो 40, और 10 में से 2 माइनस करें 8, और 8 का अगर 5 टाइम्स करें तो 40, बिल्कुल सही, एकदम एकदम आंसर मैच कर गया और चेक भी हो गया कि आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है। चलिए आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, एक एरोप्लेन उड़ रहा है और ग्राउंड पर किसी पॉइंट से हम जब इस एरोप्लेन को देखते हैं, ये ए बी इस एरोप्लेन की हाइट है, और यहाँ पी पॉइंट से जब हम इस एरोप्लेन को देखते हैं तो हमारी आईज से जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का। आफ्टर 15 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन, भाई एरोप्लेन उड़ रहा है ना, तो 15 सेकंड बाद एरोप्लेन उड़कर यहां आ गया, और अब इसकी हाइट सेम है तो ये अब इसका नाम सीडी हो गया, ये ऊपर सी और इस पॉइंट का नाम डी। जब आपने दोबारा से एरोप्लेन को देखा, जब वो 15 सेकंड बाद उड़कर आगे चला गया, तो आपकी आईज से जो एंगल बना वो कितने डिग्री का बना, 30 डिग्री। कह रहा है कि प्लेन की जो स्पीड है 720 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड ऑफ प्लेन क्वेश्चन में दिया हुआ है 720 किलोमीटर पर आवर, इसको मैं क्या करता हूं 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेता हूं, 18 फोर जा और ये हो गया 200 मीटर पर सेकंड, ठीक, और टाइम दिया हुआ है 15 सेकंड्स, तो बताइए कहां से कहां तक का टाइम है, ए बी पोजीशन से सी डी पोजीशन तक आने में एरोप्लेन को 15 सेकंड लगे, सो डिस्टेंस देखो ब्रैकेट में मैंने लिखा बीडी, अब आप डायग्राम में देखो ये बीडी कहां है, बी पॉइंट से डी पॉइंट तक आने में जो एरोप्लेन को डिस्टेंस चलना पड़ा, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी कि 200 मल्टीप्लाई 15 और आगे लिख देंगे मीटर, तो कितना आ गया 3000 मीटर, यानी कि एरोप्लेन बी पॉइंट से डी पॉइंट तक 3000 मीटर चल गया, उड़ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी हाइट निकालिए, तो इसको h मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, और ये तो हमने 3000 निकाल ही लिया, राइट। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को और लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल ए बी पी, लो भाई रेशो बनाओ, ए बी अपॉन पी बी 10 60 डिग्री, h अपॉन x 10 60 की वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो x √3 और इक्वेशन नंबर 1 बनाकर छोड़ दो।
अगला राइट ट्रायंगल ले लेते हैं, ये देखो पूरा सीडीपी, इन राइट ट्रायंगल सीडीपी रेशो बनाते हैं सीडी अपॉन पीडी, क्या लिखते हैं 10, और एंगल कितने डिग्री का 30 डिग्री का। एच अपॉन जरा पूरा पीडी अगर आप ध्यान से देखें तो ये आएगा एक्स प्लस 3000, क्योंकि बी से डी तक का डिस्टेंस आपने 3000 निकाला, और टेन 30 की वैल्यू 1/√3। अभी अभी हम एच का आंसर इक्वेशन नंबर 1 में निकाल चुके, पुट कर देते हैं एच की जगह एक्स रूट 3, नीचे एक्स प्लस 3000 और इक्वल 1/√3। लो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ये देखो एक्स को इधर ले आकर माइनस कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, देखिए 1500 आ गया एक्स का आंसर। लिखते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमें तो एच निकालना है, हाइट निकालनी है, तो एच की वैल्यू हो गई एक्स रूट 3, यानी कि 1500 मल्टीप्लाई 1.732। ठीक है, चलो भाई मल्टीप्लाई करते हैं, 15 दुनी 30 और 15 दिया 45 और 3 48, 15 सते 105, 109 का 9, 15 एकम 15 और 10 25, और 7 में 2 0 और 3 नंबर पहले पॉइंट। ये देखो आपका आंसर आ गया 2598 मीटर। लो भाई एक बार पूरा क्वेश्चन आप चाहो तो फटाफट चेक कर लो, और मुझे लगता है एकदम गजब आंसर है 2598 मीटर, बिल्कुल ठीक आंसर है, जहां से हमने बोर्ड के एग्जाम से क्वेश्चन लिखा है वहां भी यही आंसर दिया हुआ है। एरोप्लेन ए पॉइंट पर, आप पी पॉइंट पर एंगल देख रहे हैं 60 डिग्री का, 15 सेकंड बाद एरोप्लेन सी पॉइंट पर चला गया, आपने दोबारा एंगल देखा 30 डिग्री, एरोप्लेन को देखा, स्पीड और टाइम की हेल्प से मैंने निकाला डिस्टेंस बीडी, और फिर राइट ट्रायंगल से रेशियो बनाए, और आपके सामने कैलकुलेशन देखिए कितने आराम से मेरा एच का आंसर आ गया। आइए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें एग्जाम के अंदर बच्चे बहुत टाइम इस क्वेश्चन में खराब कर देते हैं। एन टेन थीटा की वैल्यू एम दे रखी है, और क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम साइन थीटा, फाइंड क्या करना है, शो करना है एम साइन, टेंशन करते हैं जिससे आपका काम जल्दी हो जाए। जब भी साइन कॉस में क्वेश्चन दे रखा हो और टेन या कॉट की वैल्यू गिवन हो, अब टेन का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, डिवाइड ईच टर्म बाई कॉस थीटा, चलिए हर टर्म को कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं, माइनस एन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, पूरे के नीचे लाइन, एम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस एन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, लिखिए हर टर्म को कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, बताइए साइन को कॉस से डिवाइड करके क्या आ गया, टेन थीटा, कॉस से कॉस कट गया क्या बच गया एन, नीचे भी एम टेन थीटा, और प्लस कितना कॉस से कॉस कट गया एन, देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया, और टेन थीटा की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में एम अपॉन एन गिवन है। लो अब मैं टेन थीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूं, एम मल्टीप्लाई एम अपॉन एन माइनस एन, एम मल्टीप्लाई एम अपॉन एन प्लस एन, अब ऊपर हो गया एम स्क्वायर अपॉन एन माइनस एन, नीचे हो गया एम स्क्वायर अपॉन एन प्लस एन, एलसीएम ले लेते हैं, बताइए ऊपर एलसीएम अब क्या आ गया, एलसीएम लेंगे तो ये हो गया एन एलसीएम आ गया, ऊपर बच गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, नीचे भी एन एलसीएम ले लिया, और ये देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो एलसीएम एन से एलसीएम एन कट गया, और आपका आंसर आ गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये आपके क्वेश्चन की राइट हैंड साइड आ गई। हालांकि इसको हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस के मान के साइन कॉस के आंसर निकालें तब भी थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, लेकिन जब भी आंसर टेन या कॉट में दे रखा हो और साइन कॉस का टर्म में क्वेश्चन हो और इस तरह से टेन या कॉट की वैल्यू दे रखी हो तो इसी तरह से क्वेश्चन को करते हैं जिससे हमारा काम कैलकुलेशन में आसान हो जाए और हमारा काम पेपर में जल्दी हो जाए। ठीक है,
तो चलिए आज आप ये बढ़िया पांच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनका रिवीजन करिए, इसमें से कोई क्वेश्चन दो नंबर का है और कोई तीन नंबर का है। कल फिर और अच्छे क्वेश्चंस लेके आपके साथ आएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि डेली अगर आप क्लास अटेंड करते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा और आप खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अपने हाथ से निकालते जाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।